हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और चलिए, मैं आज आपके लिए वीडियो एक और लेकर के आया हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा, ये वीवो का Y11 फ़ोन है। Y11 फ़ोन है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये वीवो का एक फ़ोन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, Y11 के फ़ोन है। और ये किसी यूज़र ने इसके पासवर्ड को भूल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये प्लीज़ ट्राई अगेन इन, तो मतलब ये फ़ोन लॉक है पूरी तरीके से। मैं बताऊँ आपको, देख सकते हैं, किसी यूज़र ने इसके लॉक को भूल चुके हैं और इसको बहुत इजीली तरीके से हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो ये देख सकते हैं वीवो का। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, फिर फ्रेंड्स मैं आपको भी दिखाऊँगा कि इसको, ये क्वालकॉम का सीपीयू है, तो इसे टच पॉइंट से टच करना होता है, दो पिनों को टच करना होता है, जिससे ये क्वालकॉम क्यूटी लोडर 9008 पोर्ट बनाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँगा। तो ये वीवो का फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, वीवो का Y11 ये मॉडल है और इसमें लॉक लगा हुआ है, जिसको हम अनलॉक करेंगे और देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। तो चलिए, वीडियो में बने रहें और मैं आपको यहाँ पे इजी तरीके से यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको हम इसके लॉक को अनलॉक करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीवो का जो फ़ोन है Y11, ये जो फ़ोन है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और फिर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं वीवो का जो हमने आपको दिखाई दिया था। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन में भी आपको कुछ दे दूँगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं, एल टाइप का बना हुआ है। तो इसमें से ये दो टेस्ट पॉइंट है, इसके जो एडियल के टेस्ट पॉइंट है, मैं बताना चाहूँगा। ये एडियल के मैं टेस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दो टेस्ट पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहे होंगे या नहीं दे पा रहे। तो ये शुरू के जो दो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो उनको आपको टच करना है और फिर डाटा केबल से कनेक्ट करना है, तब जाके आपका पोर्ट बनाएगा। और मैं इसको UMT से करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैं इसको UMT से इसकी अनलॉकिंग करने वाला हूँ। तो चलिए मैं UMT खोल लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको टेस्ट पॉइंट को टच करता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा ये फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं UMT को खोल लेता हूँ। UMT का क्यूसी फायर मैं यहाँ पर ओपन करूँगा फ्रेंड्स। तो क्यूसी फायर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब उसके बाद हमें डिवाइस मैनेजर को भी खोल लेना है, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारा जो पोर्ट है बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब मैं फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ। तो ये फ़ोन कनेक्ट करते समय आपको थोड़ी सी दिखाई नहीं देगी, पर फिर भी मैं उसको टच करके और USB केबल को इंसर्ट करता हूँ। तो वो जो दो पिन है फ्रेंड्स, मैं उन दो पिनों को टच करता हूँ। और टच करने के बाद मैं यहाँ पे ये दो पिन को मैंने टच कर दिया है। अब यहाँ पे फ़ोन को हम कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं अभी एक आवाज़ आई हुई है और यहाँ पे हमारी सिंपली तरीके से हमारे, देखिए, क्वालकॉम क्यूटी लोडर HS लोडर हमारा यहाँ पे ड्राइवर हो चुका है। अब सिंपली हमारा ये देखिए क्यूसी फायर भी खुल चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें जाना है क्यूसी फायर का, ये हमारा 6.2 खुल चुका है। हमने फ़ोन को भी कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइवर हमारा हो गया है। अब सिंपली हमें जाना है रीड इन टूल पर जाना है, अपना ब्रांड देना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ब्रांड है वो हमारा वीवो है। उसके बाद अपना मॉडल लेना है, जो हमारा ये मॉडल है Y11 है तो हम ले लेंगे, अगर नहीं होता तो नहीं लेते। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर मॉडल है, तो हम वीवो का Y11 इसका मॉडल ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे अब देखेंगे वीवो FS खुल चुका है। अगर यहाँ पे कोई अदर आप मॉडल लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए वीवो का अगर ये फॉर्मेट, ये टैब नहीं खुलता है, तो आपको सिंपली फॉर्मेट FS करना है। सिंपली यहाँ पे जा करके आप वीवो फॉर्मेट FS कर सकते हैं। बट आपने देखा कि जैसे आपने वीवो का Y11 लिया, तो उसमें आपका ये ऑप्शन आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पे वीवो को फॉर्मेट FS करना है, उसके बाद इसकी FRP भी इसके साथ हट जाएगी फ्रेंड। तो चलिए अब इसे हम यस कर देते हैं। तो जैसे हमने यस कर दिया, ये हमारा क्वालकॉम मोड पे ये हमारा कनेक्ट होगा। सारी चीज़ें देखिए, हमारे ड्राइवर कनेक्ट हो चुके हैं, कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे। सेंडिंग लोडर डाटा भी कम्प्लीटली सही हो चुका है, कोई भी लोडर का एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये वाइप होता है डाटा कि नहीं होता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप में, मैं एक बहुत अच्छा एक वीडियो आप करके लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो का 1906 ये मॉडल है, और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे इसकी FRP भी रिमूव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी FRP भी रिमूव बहुत इजीली तरीके से हो चुकी है, और हमारा फॉर्मेटिंग भी बहुत ही इजीली तरीके से हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो यूज़र डाटा है वो भी रिमूव हो गया है, जो हमारी FRP वो भी बहुत ईजी तरीके से हो चुकी है, वाइप डाटा हो चुका है। अब फ़ोन को सिंपली फर्स्ट सेटअप ये 2-3 टाइम बता रहे हैं कि फ़ोन हो जाएगा। तो ये देखिए डाटा केबल से फ़ोन लगा हुआ है, तो मैं अब डाटा केबल से इंसर्ट करता हूँ और फिर इसकी बैटरी को मैं लगाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोन को मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए मैं आगे आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वीवो का Y11 बहुत ही कंप्लीट हो चुका है इजीली तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो इसके 2 टिप्स दिख रहे हैं यहाँ पे फिर से कवर हो चुका है। यहाँ पे 3 टिप्स हैं, तो उनको राइट साइड में जो टिप्स है 2 उनमें आपको टच करना है और रेडियल पोर्ट को कनेक्ट करना है। चलिए मैं बैटरी को इंसर्ट करता हूँ, बैटरी को हमने लगा दिया है, अब फ़ोन को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स फ़ोन को हमने ऑन कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से। ये हमारा फ़ोन मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको रिमूव किया हुआ है अनलॉकिंग इसकी। तो अब इसमें देखते हैं फ़ोन, ये थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, और जैसे बूट हो जाएगा तो मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें कि जो हमारा डाटा था वो वाइप हुआ कि नहीं हुआ। तो बस आपको वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे बूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो ये वही फ़ोन है जो कि हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया था सारी चीज़ें, ये वीवो का Y21 मॉडल है और बस जस्ट होने ही वाला है, और जैसे ही हो जाता है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जो थोड़ी देर के बाद बूट होने के बाद एक दो बार ये ब्लिंक किया है, तो आप ये ना सोचे कि हमारा फ़ोन रिस्टार्ट पे चला गया है, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रॉपर बनाता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ में आए। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे आपको बैटरी को रिमूव नहीं करना है कभी भी, बैटरी हमारी चार्ज होनी चाहिए। इस टाइम पर अगर हो सकता है आपका फ़ोन बंद हो तो डेड होने की संभावना होती रहती है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वाइप डाटा हो रहा है, देख सकते हैं क्लियर डाटा डू नॉट, आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली तरीके से ये देखिए थोड़ा सा बूटिंग के बाद ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली प्रोसेस में है, और जैसे ही हो जाएगा मैं यहाँ आपको प्रॉपर वीडियो बना के देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए फ्रेंड्स। तो ये जैसे ही वाइप हो जाएगा मैं कहीं भी वीडियो को जल्दी स्किप नहीं करता हूँ, आपको प्रॉपर वीडियो देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वाइप हो रहा है, जैसे ही हमारा ये वाइप डाटा हो जाएगा इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको मैं करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो अभी जैसे वाइप हो गया है इसके बाद अभी फ़ोन फिर से शायद रिबूट हो, एक बार रिबूट हो रहा है और मैं कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा प्रॉपरली तरीके से रखा हुआ है, ये वीवो का Y11 फ़ोन है और आप देख ही सकते हैं। और मैं आपके साथ, चलिए इसमें भी थोड़ी सी बूटिंग होगी तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा और आगे आपको बढ़ूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं इसको फटाफट आगे को प्रोसेस कर देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाता हूँ, और यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ, और क्योंकि हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं यहाँ पे, और एक्सेप्ट कर देते हैं, नेक्स्ट स्किप, नेक्स्ट स्किप, स्किप यूज़ नो। ये हमारा फ्रेंड प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड। तो ये हमारा फ़ोन प्रॉपरली तरीके से हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव हो चुका है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। Be the famous, what they call me. Promise that you're